देखिए यहाँ पे जब से ये जोगी जी आए हैं, हम लोग का जस्ट सामने रामखता पर्वत में घर था, तोड़ दिए। हम लोग लोन से पैसा ले लेके हम लोग कमरा बनाए, वहाँ तोड़ के हटा दिए सब। दीपावली तो देखिए ये जो महिला है, आंखों में जो है पानी आ गया है, बिल्कुल जो है इस तरीके से तोड़ के हटा दिए। बता, आप जो है परेशान मत होइए। अगर जो माता जी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा तो मतलब शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पाए होंगे। बताइए, ये अपने गोड़ पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो गया है। जिस तरीके से बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सबका साथ सबका विकास, अयोध्या में विकास करेंगे, इस तरीके से विकास अगर जो करना है तो रहने दीजिए योगी जी और रहने दीजिए मोदी जी। आप अपने गुजरात चले जाइए, अपने गोरखपुर में चले जाइए, हमारे माताओं और बहनों को ऐसा दुख मत दीजिए कि वो झेल न पाए। देख लीजिए आप किस तरीके से जो है परेशानी में दिया बारते थे अपने घर में, अब की दिया बाती कुछ नहीं होगा। हम लोग उजाड़ दिए, ऐसी दीपोत्सव से क्या फायदा कि राजा आके यहाँ दीपोत्सव मनाए और प्रजा दुखी हो, प्रजा रोए, यही दीपावली। ऐसे प्रजा तकलीफ में है, ऐसे बद्दुआ ले रहे योगी जी। योगी जी का पूरा जो है पूरा सफाया तय है, क्योंकि आम पब्लिक इतना कष्ट में है। केवल डमरू बजाए हैं और मोदी जी नौटंकी किए हैं, ताली और थाली बजवाकर। मोदी जी डमरू बजाया है, मोदी जी नौटंकी किया है। ताली दिवाली का जो दीपोत्सव मनाने आ रहे हैं, जो मंत्री आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, केवल उनकी सड़क चौड़ी हो जाए, उनका प्रोटोकॉल मजबूत हो, इसलिए 46 मकानों को तोड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया। दिवाली पहले अयोध्या वासियों का दिवाला निकाल दिया गया।